नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है या देखने के लिए शुरुआत कर चुके हैं, इसका मानना है कि वो आप लोग यहां पर ट्रिक्स को याद करने के लिए ही आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पर प्रतिदिन आपको एक ट्रिक मिलती है जिसको आप आसानी से 7 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। ट्रिक्स का क्या इस्तेमाल होता है, ट्रिक्स का क्या महत्व बनता है, इंपॉर्टेंस क्या बनती है, क्योंकि एग्जाम में आप सभी को भी पता है कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको याद करना होता है। और ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से आप कुछ ऐसे जरूरी तथ्यों को, कुछ ऐसे जरूरी महत्वपूर्ण चीजों को आप याद रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, जिससे आप एग्जाम में कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले ज्यादा स्कोर यहां पर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आप सभी के यहां पर लेकर आया हूं इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि सिंधु जल समझौता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपका 1960 में साइन हुआ था। इस समझौते के तहत अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर कुल 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, एक अलग राष्ट्र बना। तो वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा पानी को लेकर हमेशा से विवाद आपका बना रहा। इस विवाद को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने यहां पर मीडिएटर की तौर पर आपकी भूमिका निभाई थी। विश्व बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो इसने मीडिएटर की तौर पर, एक मध्यस्थ के तौर पर भूमिका निभाई और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस महत्वपूर्ण जल समझौते को सिग्नेचर इसको करवाया या इस समझौते को करवाया। इस समझौते की मैं बात करता हूं तो इस समझौते पर जो आपके सिग्नेचर किए गए, हस्ताक्षर किए गए, वो आपके कराची शहर में किए गए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता किस शहर में, इस सिंधु जल समझौते पर साइन किए गए, तो आंसर बनेगा आपका कराची। टोटल नदियां कितनी बनती हैं, कुल नदियां आपकी 6 बनती हैं और इन 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को और 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को आपका दिया गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कितनी नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है, तो 3 नदियां हैं, लेकिन उनके नामों को याद रखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत यहां पर हो सकती है। तो आज की ट्रिक इसी के ऊपर आधारित है कि इंडस वाटर ट्रीटी के 6 नदियों में से किन 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को और किन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऊपर की 3 नदियां आपको नजर आ रही हैं जिनका नाम बनता है इंडस, झेलम और चिनाब रिवर। इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है और रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी का पानी हिंदुस्तान को दिया गया है। तो ये तो रहा आपका सीधा सा एक्सप्लेनेशन, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करके ऑप्शन दिया जा सकता है, तब हम वहां पर कैसे हम याद कर पाएंगे कि किन 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को और किन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जिन नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है उन नदियों को याद रखने की जो ट्रिक बनती है वो बनती है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन से नंबर के, 47वें नंबर के, लेकिन यहां पर हम लोग ट्रिक के तौर पर यूज कर रहे हैं, हमें उनकी यहां पर कोई भी आवश्यकता यहां पर नहीं है, हमें उनकी यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, CJI साहब की हमें कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। तो CJI से हमें C4 याद रखना है चिनाब, J4 याद रखना है झेलम, I4 याद रखना है इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, ये आपकी नेशनल रिवर भी बनती है पाकिस्तान की, ये भी याद रखिएगा, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी बनती है कौन सी नदी, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान आपकी बनती है इंडस नदी। जिस तरह से भारत की नेशनल रिवर बनती है गंगा, उसी तरह से पाकिस्तान के लोगों की जो नेशनल रिवर बनती है वो आपकी बनती है इंडस नदी। ठीक है, तो CJI आपकी पहली ट्रिक रहेगी, ये आपकी पहली ट्रिक है यानी कि फर्स्ट ट्रिक है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। C4 चिनाब, J4 झेलम, I4 इंडस। ठीक है सर, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदियों का पानी इंडिया को दिया गया है। सर इसको याद रखने की ट्रिक क्या बनती है, इसको याद रखने की जो ट्रिक आपकी बनती है वो बनती है ट्रिक नंबर 2, और आपको एक बैंक का नाम याद रखना है जिसका नाम है RBS। RBS का फुल फॉर्म बनता है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। क्या बनता है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, या RBS का फुल फॉर्म बनता है। अगर आप रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड नाम याद कर लेते हैं तो R4 याद रखिएगा रावी रिवर, R4 रावी रिवर, B4 ब्यास रिवर और S4 सतलज रिवर। क्या बनता है, S4 सतलज रिवर। तो आसानी से आप इन 3 नदियों RBS, रावी, ब्यास और सतलज, C
सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चिनाब झेलम और इंडस। उम्मीद है इन दोनों ही ट्रिक्स के माध्यम से आपने आसानी से याद किया होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी की 6 नदियों में से कौन सी 3 नदियां हिंदुस्तान को और कौन सी 3 नदियां पाकिस्तान को आपकी दी गई हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और समझ आई हो तो फटाफट फटाफट इस वीडियो को लाइक भी आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और ट्रिक्स के साथ मैं हर संडे को आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ूंगा। साथ ही साथ आप मुझे मेरे नाम से यानी कि अंकित गुप्ता मेरा नाम बनता है, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरे पास करीब 3500 के आसपास फॉलोअर्स हैं। आप लोग भी यहां पर फॉलो करेंगे तो आप मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जितने भी नए कोर्स हैं उनकी भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मेरे द्वारा जितने भी पेड क्लासेस अपडेशन हैं और फ्री क्लासेस हैं उनका लाभ भी आप लोग वहां पर उठा सकते हैं। जितनी भी क्लासेस मैंने कंप्लीट की उन सभी क्लासेस के नोट्स को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग बैंक और एसएससी सेक्शन में जाकर अंकित गुप्ता सर्च कर सकते हैं और मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए आप लोग टारगेट 10 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर आपको 10% ऑफ यहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब तुरंत कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बिल्कुल प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्रिक्स ऑन GS, GM, Maths और अदर सब्जेक्ट्स में। अगर आप ट्रिक्स चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर बाकी ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अब आपसे एक नई ट्रिक के साथ मुलाकात होगी अगले संडे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन क्लास को देखने के लिए, वीडियो को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए।